हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडियो। ओके, सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल वाला पार्ट कंप्लीट किया, बराबर, जहां हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हमने इसे लास्ट लास्ट वाले क्लास में किया। सो अब हमने, जब मैंने बोला आप लोगों को जिसे लास्ट लेक्चर में कि हम ऑक्यूपेशन के बारे में हम कुछ ऑक्यूपेशन को लेकर डिस्कस करेंगे और हम कंपेयर करेंगे इंडिया और ब्राजील को, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशन है जिसके बीच में हमारा कंपैरिजन होगा वो है हमारा माइनिंग, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल के बारे में ब्राजील का देखा, हम धीरे धीरे हम माइनिंग कवर करेंगे, फिशिंग कवर करेंगे, इस वीडियो में हम फिशिंग एंड माइनिंग कवर करेंगे, ठीक है, और बाद में हम देखेंगे इंडिया के एग्रीकल्चरल, माइनिंग एंड फिशिंग वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये वीडियो में हम माइनिंग एंड फिशिंग कंप्लीट करते हैं ऑफ ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील के माइनिंग के ऊपर बढ़ते हैं कि माइनिंग ब्राजील का कैसा है, ठीक है। तो ईस्टर्न टाइप ऑफ द ब्राजील इज रिच इन द वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं ब्राजील में, वो भी कहा ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड एक्सेट्रा आर अवेलेबल हियर, ठीक है। सो जो मिनरल्स फाउंड होते हैं हमारे ब्राजील में, ठीक है, सो वो कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे ब्राजील में पाए जाते हैं वो देखते हैं। आप अंडरलाइन कर लो कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स सच एज आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, निकल जो मिलता है हमें, ठीक है, ब्राजील में कॉपर है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट इज नथिंग बट बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल जिसको आगे फर्दर मेल्ट किया जाता है, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जहां पर मेल्टिंग किया जाता है और उससे एल्यूमिनियम प्रिपेयर किया जाता है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है। सो ये बॉक्साइट से हम क्या करते हैं, इनको स्मेल्टिंग करते हैं, यानी कि मेल्टिंग करते हैं और मेल्ट करके इनके एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। सो टंगस्टन है, टंगस्टन आपने देखा होगा बल्ब्स में जो होते हैं, जिनके सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, टंगस्टन पाए जाते हैं, डायमंड्स पाए जाते हैं ब्राजील में, ठीक है। लैक ऑफ फिजिबिलिटी इन द सेंस कि नेचर में अवेलेबल नहीं होना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन टू वी डोंट यूज सिल्वर, ठीक है। हम सिल्वर क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज जैसे कॉपर जो है वो कॉपर, ओके, सो जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो कि सबसे चीपर है, ठीक है, कंपेयर टू सिल्वर। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिल्वर को यूज करने के बजाय हम कॉपर यूज करते हैं, ठीक है, हैज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वैसे ही लैक ऑफ फिजिबिलिटी होना, यानी कि ज्यादा नेचर में अवेलेबल नहीं होना, देन नॉलेज ऑफ अ पोटेंशियल रिजर्व ऑफ अ रिसोर्सेज, जिसका एक लैकनेस इन द नॉलेज, ठीक है, कि मुझे एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज नहीं है, डेंस फॉरेस्ट, काफी घना फॉरेस्ट है, ठीक है, एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स विच हैव लीड टू द लिमिटेशन ऑफ द माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में माइनिंग को लिमिटेड, यानी कि कुछ जगह पर कुछ लिमिट तक रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, बिकॉज एक तो फिजिबिलिटी नहीं है, दूसरी बात नॉलेज नहीं है, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जगह पर कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे वो हमें पता नहीं है, देन हम डेंस फॉरेस्ट है जिसके वजह से हम अगेन माइनिंग नहीं कर सकते। बट द इंक्रीज इन द माइनिंग वर्क हैज डेवलप्ड ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ अ कंट्री इन अ रीजन। जैसे जैसे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंट्री डेवलपिंग हो रहा है, अनडेवलप्ड से डेवलपिंग पे आ रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड के टूवर्ड्स प्रोसीड कर रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है। अब जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो माइनिंग भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा माइनिंग पार्ट ऑफ द ब्राजील। देन हम बढ़ते हैं आगे फिशिंग, ठीक है, फिशिंग भी एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्राजील में फिशिंग कौन से स्केल्स पे और क्या मायने देता है, ठीक है।
फिशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो कि मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बोला. देन ब्राजील हैज अ सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर. प्लीज मार्क दिस स्टेटमेंट, अंडरलाइन, हाईलाइट दिस स्टेटमेंट. एंड एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट. ठीक है, सबसे जो सी कोस्ट जो है ब्राजील का, वो बताया यहाँ पर 7,400 किलोमीटर है coastal areas. Then traditionally fishing has been carried out by a small group of individual fishermen using primitive techniques and equipment, but now large vessels are being used. ठीक है, पहले के प्राइम पे बताया है कि जब हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो फिशिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, बिकॉज वो मेन ऑक्यूपेशन में भी नहीं माना जाता था. और इसलिए पहले के जमाने के लोग जब फिशिंग करते थे तो वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव यानी कि इनिशियली जो टेक्नोलॉजी जो यूज करते थे, ठीक है, जैसे वो पत्थरों से पकड़ना, यानी कि बोलते हैं ना कि पत्थरों के स्टोन से वो बनाते थे वो एक पर्टिकुलर एक्स वगैरह, ठीक है, वेपन्स बनाया करते थे एंड देन फिशिंग किया करते थे. अब क्या हो रहा है, अब वेसल्स यूज हो रहे हैं. वेसल्स इन द सेंस बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं. ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे पास कुछ इमेजेस है आप लोगों को दिखाने के लिए, शायद इसके अंदर है नहीं फिलहाल. ठीक है, मैं आपको उसके इमेज बताऊंगा. ठीक है, वेसल्स यानी कि शिप होता है, जो बड़े बड़े जो शिप होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं कि शिप्स एक ही बार में वो नेट पानी के अंदर फेंकते हैं और देन वो मैकेनिकली वो क्या करते हैं, जोर से फोर्स लाकर ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो सारे के सारे फिश उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है, स्वॉर्ड फिश, श्रिंप, लॉबस्टर, सार्डिन्स आर द मेनली कॉट. ठीक है, सबसे ज्यादा फिश जो लोग यहां पर रेयर करते हैं, खाते हैं, मीट जो कंज्यूम करते हैं और पकड़ते हैं, वो कौन सा है, स्वॉर्ड फिश. ठीक है, श्रिंप, लॉबस्टर, सार्डिन्स. ठीक है, इनके इमेजेस है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूं. ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर फिश में यहां पर लॉबस्टर है, यू कैन सी दिस इज लॉबस्टर विच इज अगेन वेरी कॉस्टली. ओके, बहुत ही महंगा होता है ये देखो लॉबस्टर, दिस इज कुक्ड लॉबस्टर. सार्डिन, ठीक है, सार्डिन अभी बोलते हैं ग्रुप ऑफ फिश, सार्डिन. ठीक है, श्रिम्प भी आपको पता ही है श्रिम्प क्या होता है, ठीक है, आपने देखा है श्रिम्प, झींगा. ठीक है, सो द फिश resources of the Amazon River are not exploited much and fishing only take place at a small scale. सबसे ज्यादा जैसे कि अभी फिशिंग के बारे में बताया कि इतना भी ज्यादा मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, यानी फिशिंग ब्राजील में ज्यादा कैरिड आउट नहीं होता है, एक स्मॉल स्केल पे की जाती है, लार्ज स्केल पे कवर नहीं किया जाता. ठीक है, तो ये था हमने जो अब पढ़ा हमने, वो था अबाउट द माइनिंग एंड फिशिंग इन ब्राजील. ठीक है, सो अब हमने ऑक्यूपेशन, जो अभी हमने जो ऑक्यूपेशन सर्टन ऑक्यूपेशन कवर किए, जैसे हमने एग्रीकल्चरल कवर किया, एग्रीकल्चर इन द ब्राजील, वी हैव कंप्लीटेड माइनिंग इन ब्राजील, देन सिमिलरली वी हैव कंप्लीटेड फिशिंग इन ब्राजील. ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको मार्क करने बोले हैं, जैसे माइनिंग में से भी देखो सेकंड वाला पॉइंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं हमारे ब्राजील में. ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिशिंग में से भी कुछ बोले कि फिश में से भी ये सारे फिश जो है, स्वॉर्ड फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर, सार्डिन्स, इसको भी मार्क कर लो. ठीक है, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील हैज अ सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर्स. दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको माइट भी पूछे जा सकते हैं. तो अब हम ब्राजील के बारे में अब हम जानते हैं, उनके माइनिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेड जैसे कंसेप्ट के बारे में हम अपने आपको इंट्रो कराएंगे, बिकॉज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, हमारा आने वाला चैप्टर ट्रेड है, वो उसके हम फैमिलराइज होंगे, तो उसके एक शॉर्ट समरी जैसा हम ट्रेड के बारे में भी कुछ वहां पर पढ़ेंगे. ठीक है, सो आपको करना क्या है, माइनिंग एंड फिशिंग पे भी आपको फटाफट नोट्स बनाना स्टार्ट करना है. ठीक है, इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी, रिगार्डिंग द माइनिंग इन ब्राजील, रिगार्डिंग द फिशिंग इन ब्राजील, ठीक है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंच के आपके डाउट्स को क्लियर करने की. ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.